तो भाई लोग हम लोग आज यार जा रहे हैं साउथ एक्स मॉल, वहाँ पे हम लोग मूवी देखेंगे और फिर आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मुझे मूवी कैसी लगी। वैसे भैया ये सही टाइम पे आ गए थे तो इन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं। हम बताइए एक बार हमारे दोस्तों को। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा। और आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मतलब ओला में मुझको हो गया ढाई साल आपको हो गया। वैसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं? मतलब हम जैसे यूजर सिक्कर में, मतलब कभी मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ओला का काम बढ़िया चल रहा है, सर्विस अच्छी है, कस्टमर भी अच्छे। चलिए, आपने कि हमारे भैया ने भी आपको बताया कि सब कुछ सही चल रहा है, सो बस हम लोग चलते हैं। और एंजॉयमेंट होता रहेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बस, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है बस। ठीक है, छोटा सा चैनल है, अगर आप चाहें मेरा एक बड़ा चैनल उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो कि ऑल इन अनुराग है। और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल RBS शुक्ला को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो टेक दिस सीन। चल रहे अभी हम लोग एवेंजर्स एंड गेम, जो पिक्चर का नाम है, मूवी का नाम, जो हम लोगों ने अभी एक साल पहले ये इनकी मूवी आई थी, इसका नाम था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो कि काफ़ी हिट हुई है। और जो मैं देखने जा रहा हूँ वो भी इसका नाम भी एवेंजर्स एंड गेम है। बस हो सकता है ये एवेंजर्स की लास्ट मूवी होगी इसमें। अब स्टोरी तो मुझे अच्छे से पता नहीं है, बट हो सकता है इसमें आयरन मैन खत्म हो जाता है क्या क्या, तो हम लोग देखेंगे। और मॉल का भी थोड़ा आपको व्यू दूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि व्लॉग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तीसरा व्लॉग है मेरा शायद। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम के लिंक्स भी आपको मैं नीचे दे दूंगा, उसमें फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट। पहुंचने ही वाले, शायद थोड़ा सा और बचा ही है और उसके बाद मैं रहूंगी और वहां का फुल लुक दूंगा। मैं कानपुर का हूं और सपोर्ट चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि टर्निंग तो इस समय कुछ नहीं होती है, बट क्योंकि छोटा बस समय के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ही वीडियो बना रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बता सकूं कौन चीज़ कहां पे है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आपसे बतानी थी कि जैसा कि हम लोगों को इंडिया है, वहाँ पे ट्रैफिक का कोई भरोसा होता नहीं है, कब ट्रैफिक जाम हो जाए और कब क्या हो जाए कोई भरोसा बता नहीं सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और प्रॉब्लम है कि एम्बुलेंस की मीन, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई जाम लगा हुआ है, उसके बाद अगर एम्बुलेंस है तो भाई सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे क्या होगा ना कि जो एम्बुलेंस है वो निकल जाए और जाम से हट के ही थोड़ा सा हम लोगों को ऐसी एक रोड लेंथ रहनी चाहिए जहाँ पे केवल एम्बुलेंस ही जा सके, और कोई जैसे जैसे क्या होगा ना कि हमारी जितनी भी जाने इसमें बच रही होंगी लोगों की, वो जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होगा ना कभी भी कि मान लीजिए हमें डॉक्टर ने कहा है कि 5 मिनट के अंदर हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, बिकॉज जाम यहाँ पे इतना होता है ना, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पे पहुंच नहीं पाते और फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है और हमारे लोग जैसे मासूम लोग फिर बाद में मर जाते हैं, यही रीज़न होता है केवल जाम का। सो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे क्या कहते हैं हम लोगों को जो एक लाइन ट्रैफिक के लिए अलग लाइन और एम्बुलेंस के लिए अलग लाइन होनी चाहिए। ठीक है, बस यही कहना था, थोड़ा सा ज्ञान हो गया ना, ज्ञान भी जरूरी है, अभी व्लॉग तो अधूरी। बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी है, मान लीजिए अगर आप 18 प्लस नहीं है तो क्या होता है ना, कुछ ए रेटेड मूवीज़ होती है। एक बार की बात है, मैं मॉल गया था, मैंने आराम से ओला बुक कराई और मैं मॉल की तरफ पहुँचा, मेरा छोटा भाई भी था, सो पहुँचे हम लोग, समझे कि डेडपूल 2 देखेंगे, बट आई डोंट नो अबाउट इट कि क्या होता है नहीं होता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी ऐसा कोई रूल्स होता है कि आप 18 प्लस नहीं है तो हो जाएगी। मैं तो था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो भाई था वो 18 प्लस था नहीं, सो हम लोग को टिकट मिली नहीं, सो हम लोग को ऐसे ही वापस आना पड़ा।
अगर आप 18 प्लस नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लीजिए कि आप कौन सी मूवी देख रहे हो और आपकी एज क्या है, बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है यू ए रेटेड मूवीज में आपको टिकट नहीं मिलेगी अगर आप 14 ईयर्स से अगर नीचे हैं तो। कभी होता है ना कुछ मॉल्स देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कभी कभी होता है नहीं देते ये लोग। सो बस एक बात ध्यान रखिए कि हम लोगों को अगर टिकट परचेस करिए तो पहले देख लीजिए आगे उनकी साइट पे कि जो मूवी है कितने एज के लिए है, क्या हम लोग यहाँ पे जा सकते। कुछ स्पेशल की मॉल ही होती है जहाँ पे टिकट नहीं दी जाती, वैसे हर मॉल पे टिकट हम लोग को इजीली मिल जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम थी, मुझे बड़ा अजीब लगा था। सो मैं वापस चला गया, फिर मैंने सामान वामान लिया, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था कि मुझे मूवी देखने को मिली, बट नहीं मिली थी। काफ़ी समय पहले की बात है, मैंने ऐसे शेयर कर दी दोस्त है हम लोग तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, और फेसबुक पेज फॉलो कर रहा है ऑल इन अनुराग डाल दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, उस पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आप देखेंगे जगह पे तेल वेल है और भी काफ़ी कुछ सामान यहाँ पे है। एग्जांपल की तरह ये आप देखिए पीछे वाले बॉय और फाइनली हम लोग यार एवेंजर्स एंड गेम देख के आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी मूवी लगी। स्टार्टिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी, बट जो एंडिंग थी वो काफ़ी अच्छी लगी। लाइटिंग कोई सही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी जरूर जाइए देखने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। एवेंजर्स एंड गेम इन्फिनिटी वॉर भी मैंने देखी थी, वो भी अच्छी थी, बट ये जो मूवी है वो इन्फिनिटी वॉर से भी अच्छी होगी। उसका अगला ही सीन था, अब मुझे पता नहीं नेक्स्ट मूवी इन दोनों में से एवेंजर्स में कौन सी आएगी, बट Iron Man has been finished। और बाकी स्टोरी आपको बताना है क्या फ़ायदा, मूवी अगर मैं बता दूंगा स्टोरी तो आप लोग क्या देखेंगे, जरूर जाइए। अभी ये लगी होगी 26 तारीख को ये लॉन्च हुई थी, मैं आज 30 तारीख को देखने गया था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, तब तक के लिए टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, हेल्प टू मेक अ गुड फैमिली एंड बिग फैमिली। ओके बाय।